वेलकम बैक टू माय चैनल माय सेल्फ अमूल्या। आजकल मौसम कटहल का है। यह फल ज्यादा करके दक्षिण भारत के कोस्टल रीजन में उगता है। यह फल मई जून जुलाई इन महीनों में वो तैयार होता है। एक पेड़ में कभी कभी 20 से 40 फल होते हैं। उनके साइज भी काफी बड़ा होता है। 5 किलो से लेकर 20 किलो भी होता है। आप देख सकते हैं कटहल को काटने का एक आसान तरीका है जो आप उपाय सकते हैं इस वीडियो में देख के। सबसे पहले याद रखिए हाथों को और चाकुओं को सब तेल से सन देना ताकि फल से निकलने वाला सफेद रेजिन जो बहुत चिपचिपा होता है वह हाथों को या चाकू को या कपड़े को ना चिपक जाए। एक और भी याद रखना चाहिए, यह फल काटने के बाद में जो जमा हुआ कचरे को निकालने के लिए इसे उसी वक्त काटिए जब आपके पास टाइम हो। आप देख सकते हैं फल को बीच में से काटा गया है, उस तरीके से आप भी बीच में से काट सकते हो। उसके बाद वह चार टुकड़ों में बांट दिया गया। इसके बाद जो सेंट्रल पोर्शन है उसे निकाला गया है। इस तरह अंदर के एक एक फल को लूज करके निकाला जाता है। तो आप भी ऐसे ही निकालिए। आयुर्वेद में इस फल का अनेक फायदे बताए गए हैं। यह फल में हमको भरपूर विटामिन ए, विटामिन सी एंड विटामिन डी मिल जाता है। दिस फ्रूट इज रिच इन कैरोटीनॉइड्स व्हिच इज अ पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब होता है कि रोजाना जो बॉडी में सनलाइट और पोल्यूशन के वजह से जो डैमेज होता है या हो रहा है उनको रोकने के लिए यह एंटीऑक्सीडेंट मदद करता है। इट हैज एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज ऑल्सो। अभी देखिए इस फल के अंदर के बाद कितने बड़े बीज है। इस बीज को उबालकर उसका सब्जी या सांभर बना सकते हैं। जब ये फल को पेंसिल के जैसे लंबा लंबा काट कर तेल में तल कर शाम को खाया जा सकता है। वो आइटम को कहते हैं कटहल की चिप्स। या अगर ये फल बहुत ही सॉफ्ट हो चुका हो तो इसे आटे में फल को अच्छा कंसिस्टेंसी हो तो ऐसे ही खा सकते हो, और ना हो और वो फल बहुत ही सॉफ्ट हो चुका हो तो उसे आटे में डुबाकर उसकी चपाती या पूरी बनाया जा सकता है। और अगर जा सकता है ये किसी भी पूरी या सब्जी बनाया जा सकता है। ये इडली या डोसा बना सकते हैं। इसके इसके पापड़ भी बना सकते हैं। तो दोस्तों याद रखो, इस फल का नाना तरीके से स्वाद ले सकते हैं। आप जरूर इस फल का बनाया हुआ आइटम को आप जरूर खाइए। जब आप वेस्ट कोस्ट एरिया में कभी घूमने जाए तो और साउथ इंडिया में ये फल बहुत मिलता है। धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें।